आज के वीडियो में हम लोग आलू मेथी के बहुत ही खस्ता वाले पराठे बनाने वाले हैं। दो बहुत ही आसान तरीके आपको बताऊंगी, जिससे आपको स्टफ करने में भी परेशानी नहीं आएगी और कोई बच्चा भी इन पराठों को आसानी से बना सकता है। साथ में ही बहुत ही ज्यादा इसमें टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं वीडियो में, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हम लोगों ने ले ली है मेथी, बिल्कुल फ्रेश मेथी आपको लेनी है। इसको हमने धो करके एकदम सुखा लिया है, अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अभी हमने इसको कट नहीं किया था, तो बस हमने इसको धूप में सुखा करके, यानी कि अच्छे से सुखा करके ले लिया है। अभी यहाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। एक जरूरी बात, जब भी आपको हरी मेथी से कुछ भी चीज बनानी हो, पराठे बनाने हो, पूरी बनानी हो या सब्जी बनानी हो, तो जिस वक्त आपको आपकी डिश बनानी है, आप उसी वक्त उसको कट करें, इससे वो कड़वी नहीं होती है। तो ये बहुत ही जरूरी टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको कट करने के लिए आप चाहे तो इस तरीके के जो कटर आते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही आसानी से मेथी कट सकती है। नहीं तो आपका जो नॉर्मल नाइफ होता है उससे भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे लोग हैं अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है ये। अगर ये आपके पास नहीं है, आप इस तरह से कट नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इसको कट करना है। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह नहीं है, तो आप इस तरह से नाइफ सीजर की सहायता से भी इसको कट कर सकते हैं। सीजर मोस्टली सबके घर में होती है, तो आप इस तरीके से भी इसको इजीली कट कर सकते हैं। अगर आप इससे भी कट नहीं करना चाहते, तो अगर आपके पास हैंड चॉपर है, जो हमारे पास चॉपर्स होते हैं मोस्टली आजकल सभी के घर में मिल जाते हैं, तो उससे भी आप इसको इजीली कट सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रख लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, आपको इसको उसी वक्त काटना है जिस वक्त आपको इसके पराठे या पूरी सब्जी वगैरह बनानी हो। तो चलिए सारी मेथी को मैं पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने पूरी मेथी को कट कर लिया, अब दूसरे बोल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। और अब हमें इसको लगभग 3 से 4 बार धोना है हम इसको रगड़ते हुए, जब तक कि इसमें से हरा पानी निकलना बंद नहीं हो जाता है, यानी कि बिल्कुल क्लीन पानी आना स्टार्ट नहीं होता, तब तक हमें इसको धोना होगा। इससे क्या होगा, इसमें कड़वाहट बिल्कुल निकल जाएगी और फिर हमारी जो भी चीज़ बनेगी वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। तो मैं इसको अच्छे से 3 से 4 बार धो लेती हूँ, और उसके बाद में फिर हम लोग इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने ले लिया है थोड़ा सा आटा। आटे के साथ में हम लोग ऐड करें थोड़ा सा बेसन। जी हाँ, बेसन डालने से हमारे पराठे हो या पूरी हो, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा खस्ता बनती है, तो आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ में ही थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल रहे हैं। मसाले की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसमें हमने सौंफ डाल दी है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने जो मेथी कट करके रखी थी, उस मेथी में से कुछ मेथी हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दो तरीके से सिखाने वाली हूँ, तो मैं आधी आधी मेथी का दो बार में यूज करूंगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा गूंदना है। हमें आटे को ना तो बहुत ज्यादा सख्त गूंदना है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है, सेम ही सॉफ्ट इसका आटा गूंदना है, क्योंकि इसमें हमें बेसन मिलाया है तो ये गीला नहीं होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम मेथी या पालक या बथुए के पराठे बनाते हैं तो आटा हमारा गीला हो जाता है, लेकिन जब हम बेसन ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आटा हमने लगा लिया है, अब इसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा सा चिकना कर देते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा चिकना करके हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने ले लिया है थोड़ा सा उबला हुआ आलू, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सौंफ, थोड़ी से हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़ा सा काला नमक। सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे और यह हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने एक चकला ले लिया है, उसमें हमने इसकी एक बॉल बना ली है, हमारे जो हमने अभी आटा लगाया है उसकी बॉल बना ली है। इसको इस तरह से हम फ्लैट कर लेंगे आटे में, सूखे आटे में पहले इसको डिप करेंगे, और उसके बाद में ये देखिए, इसको हम पहले हल्का सा बेल लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, अगर जो बैचलर्स हैं, बाहर रहते हैं, जो नहीं बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जरूरी है कि आप आटे में ये देखिए इस तरह, या तो आप इसको स्टफ कर लें, अगर आप इसको स्टफ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। अब इसके बीच में हम इस तरीके से ऑयल लगा रहे हैं। आपने मोस्टली ये पराठे घी या ऑयल से बनाए होंगे ना, रिफाइंड से, लेकिन एक बार आप इसको मस्टर्ड ऑयल से बना करके देखिएगा, आप सारे टेस्ट भूल जाएंगे। और नॉर्मल रोटी से इसका थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाना होगा। अब यहाँ देखिए, इसके जस्ट बीचों बीच हमने जो अभी आलू की स्टफिंग बनाई थी वो हम फिल करेंगे। आप इस वाले पराठे में आप जितनी चाहे स्टफिंग फिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम बिल्कुल बीचों बीच एकदम ट्राइंगल वाली शेप में बना रहे हैं। ये देखिए, जिस जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इस सेम तरीके से आप आलू के पराठे बना सकते हैं, मूली के, गोभी के, जो भी आपको स्टफ पराठे बनाने हैं ना, वो सारे पराठे आप इस सिर्फ एक रेसिपी से बना सकेंगे, और बिल्कुल भी स्टफिंग आपकी बाहर नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट तरीका है, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने कटोरी में पानी ले लिया है। अब इस पानी को हम इसके किनारों पर लगाएंगे, दोनों ही किनारों पर हम इसको पानी को अच्छे से लगा देना है, जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको अभी लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत कन्वीनियंट है, बिल्कुल भी टाइम इसको नहीं लगेगा।
इस तरीके से हम इसको एक साइड से हमने फोल्ड कर दिया है, दूसरे हिस्से को उठा करके इसके साइड से फोल्ड करेंगे, आगे से इसको अच्छे से पैक कर देना है। अब यहाँ देखिए पीछे की साइड भी हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको उठाते हुए, और इसको भी हमें पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, आप इसको चाहे बेल लें, कैसे भी कर लें, कितने भी स्टफिंग इसमें डाल लें, बिल्कुल भी ये नहीं खुलने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हमने पैक कर दिया। सूखे आटे में हल्का सा इसको डस्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसको और थोड़ा सा बेलने वाले हैं। आप चाहे तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको बेल लेंगे तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको इस तरह से चिपका करके बनाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। इसमें बहुत सारी स्टफिंग एक बार में ही आ सकती है। इस तरीके से हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे और फिर इसको बेलन की सहायता से हम थोड़ा सा बेल लेंगे, जितना भी आप चाहें उतना बेल सकते हैं। ये थोड़ा सा जंबो साइज का पराठा बन गया है, आप थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको किनारों से मैं ज़्यादा बेल रही हूँ, किनारों से थोड़ा मोटा लगता है ना ये, तो किनारों से इसको हम हल्का सा बेल लेंगे और पूरी स्टफिंग पूरे पराठे में अच्छे से फैल जाएगी। ये देखिए और एकदम परफेक्ट शेप में हमारा पराठा बनेगा, और सब मतलब सोचते ही रह जाएंगे कि आपने स्टफ पराठा ट्रायंगल शेप में कैसे बनाया है। एक बहुत ही ट्रेंडिंग एक वीडियो चला था पहले ट्रायंगल बनाने का, लेकिन उस तरीके से पराठा इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आप इस तरीके से बनाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाला तरीका बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पराठा बना लिया है, आप इसको जितना चाहे उतना बेल सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तवे को गर्म कर लिया था, तवे पर हम अपने पराठे को डाल देंगे और इसको पहले हम हाई फ्लेम पर ही सेक रहे हैं। मैं आपको खस्ता पराठा बनाने का तरीका बता रही हूँ। पहले हमने फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर हम इसको हल्का सा नीचे से सिकने देंगे। जैसे ही हल्का सा नीचे सिकेगा एक टर्नर की सहायता से इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हल्का सा नीचे से सिक चुका है, दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा सिकने देंगे। जैसे ही नीचे से हल्का सा सिकने लगेगा हम इसके ऊपर वाली परत पर ही पहले ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ, आप देसी घी का या बटर का या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, लो फ्लेम पर अब हम इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता है। फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और दोनों साइड से हम इसको दबाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए इसको हम कड़क बनाएंगे, एकदम क्रिस्पी सा। साथ में हमने बेसन भी डाला था आटे में, तो ये देखना आप इतने ज़्यादा खस्ता बनेंगे, इतने क्रिस्पी बनेंगे। और जबकि हमने पराठे के आटे में मोस्टली ऑयल डाला जाता है, लेकिन हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला था इसमें। उसके बाद भी आप देखिए टर्नर की सहायता से मैं इसको इस तरीके से क्रिस्पी बना रही हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का इसको हाथों से प्रेस करते जाएंगे पलट पलट कर, और दोनों साइड से हम इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। ये देखिए देखने सा कलर कितना अच्छा आया है, मस्टर्ड ऑयल का कमाल है ये। ये देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, अब लो फ्लेम पर हम इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसको इस तरह से कुक करते रहेंगे, हल्के हल्के से प्रेस करते रहेंगे और दोनों साइड से इसको कुक करेंगे जब तक कि अच्छा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता है, जब तक कि आपको आपका मनचाह कलर इसमें नहीं मिल जाता है। ये देखिए और ये देखिए हमारा पराठा कितना क्रिस्पी बन रहा है। सेम इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ट्रायंगल शेप के हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने बोल में फिर से थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें भी आप बेसन डाल सकते हैं, मैंने इस बार बिना बेसन के आपको बता रही हूँ, तो आप चाहे तो बेसन डाल दें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ में हम इसमें थोड़ी सी जो बची हुई हमारी हरी मेथी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें मेथी को ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, आपको जितनी चाहे मेथी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप मेथी पालक बथुआ वगैरह जैसे भी आप बनाना चाहें उसके आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ में हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, इसमें आप मसाले थोड़े अच्छे से डाल सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हमने ये अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा जाता है। आप चाहें तो नया डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे इसमें भी। अब इसी के साथ में यहाँ पर देखिए हमने आलू को बॉईल करके उसको ग्रेट करके ले लिया है, वो भी इसके साथ में ही हम ऐड कर देंगे। अगर आप स्टफ नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार हाथ से पहले मिक्स करेंगे, अभी पानी का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। जितने पानी की ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम सख्त आटा हमें लगाना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी ऐड नहीं किया है और क्योंकि हमने आलू भी इसके साथ में ऐड कर दिया है, तो मेथी अपना और आलू अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे तो हमारा आटा बाद में गीला हो सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सख्त इसका आटा लगाना होगा। जितने पानी की आपको ज़रूरत हो उतना ही पानी आप इसमें यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सख्त आटा हम गूंद कर इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और आटे को अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। आटे को बाइंड करने के बाद में इसमें हम थोड़ी सा घी फिर से डाल रहे हैं और आटे को थोड़ा सा चिकना करेंगे। आटे को चिकना करके हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं लगभग 5-7 मिनट के लिए। अब यहाँ देखिए हमने फिर से चकला ले लिया है, चकले पर हम थोड़ी सी एक लोई ले रहे हैं, ये देखिए,
और लोई को हम फिर से फैला लेंगे हाथों की सहायता से, पहले फैला लेंगे और उसके बाद में हम बेलन से इसको इस तरह से बेल लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही बेलना है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम लोग ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे हमने फिर से मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कर रहे हैं, आप घी या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। चारों तरफ से उठाते हुए हम इसको बंद कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में, अच्छे से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ से। हम या तो इस एक्स्ट्रा आटे को निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से आप इसको दबा भी सकते हैं। इसके बाद में सूखे आटे में इसको लपेट लेंगे हम लोग, सूखा आटा फिर से डस्ट करेंगे और उसके बाद में हम इसको पहले हाथों की सहायता से हल्का सा फैला लेंगे और उसके बाद में हम बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। तो जितना पतला आप चाहें उतना पतला बना सकते हैं इस वाले पराठे को, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, हमने इसमें कोई भी स्टफिंग वगैरह नहीं करनी है। तो इस पराठे को आप इजीली राउंड शेप में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में, कैसे भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको सर्कल में ही बना रही हूँ। इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। यहाँ पर हमने अपने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पर हम अपने पराठे को फैला देंगे हाई फ्लेम पर। पहले इसको हम नीचे से सिकने देंगे। जैसे ये हल्का सा सिक जाएगा एक टर्नर की सहायता से, ये देखिए ऊपर से हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इसको हम पलट देते हैं। नीचे से भी हल्का सा सिकने देंगे, ये देखिए बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम इसको सिकने देना है नीचे से भी। जैसे ही हल्का सा नीचे से सिकेगा हम इसके ऊपर से फिर से ऑयल लगा देंगे, जैसे हमने पहले पराठे में बनाया था बिल्कुल सेम उस तरीके से। इसके बाद में हम इसको पलट देंगे, ये देखिए, और फ्लेम को अब हम यहाँ पर लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको जैसे कुक करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है। ऊपर से भी हम इसमें ऑयल लगाएंगे और ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा क्रिस्पी सा पराठा बना है। लो फ्लेम पर हम इसको इस तरह से टर्नर से दबाते हुए या फिर आप आलू मेशर के जो होता है पोटैटो मेशर उसकी सहायता से भी इसको प्रेस करते हुए इसको बना सकते हैं। उससे भी ये पराठा काफ़ी क्रिस्पी बनता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा इसका कलर आया है। एकदम बढ़िया से हमारे पराठे सिक जाएंगे, ये देखिए एकदम बढ़िया से हम इस तरीके से अपने सारे पराठे ही क्रिस्पी और टेस्टी बना लेंगे। सारे पराठे हम इस तरीके से सेक लेंगे। मैंने और भी पराठे इस तरह से बना लिए हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया और क्रिस्पी हमारे पराठे बन गए हैं। ये लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब, क्रिस्पी और खस्ता हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे ट्रायंगल शेप वाले पराठे और ये हमने सर्कल जो बनाए थे बिल्कुल सिंपल वाले पराठे, लेकिन टेस्टी इतने हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको ये पराठे कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।